sales is very powerful. Sales is all about asking. Asking with conviction. Conviction matlab ek extreme. You know, body language mein conviction, aankhon mein conviction, chaal mein conviction. लेकिन ये कन्विक्शन आता नहीं है लोगों के माइंड में. मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आपको पता लग रहा है कि मैं आपको बेचने आ रहा हूं कोई चीज, तो फिर आपका बिलीफ क्या होता है? या कोई आपको इंश्योरेंस बेचने आ रहा है, कोई भी आपको कुछ भी बेचने आ रहा है, तो आपका उस समय बिलीफ क्या होता है उस आदमी के? क्या सोचते उस आदमी के बारे में आप? हमें कुछ चिपकाएगा, टोपी पहनाएगा और क्या टाइम वेस्ट करेगा, पकाएगा और उसका बेनिफिट है, स्कैम है, चूना लगाएगा, लूटेगा, है मैं नहीं खरीदूंगी, है चाहे कुछ भी हो जाए, बेच रहा है तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगी. अब ये सारे हमारे थॉट्स हैं सेल्स के बारे में. किसके थॉट्स है? हमारे. अब ये बताइए, जब आप बेचने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि अगला क्या सोच रहा होगा? आप भी यही सोचते हो, है ना? आप भी यही सोचते हो कि अगला सोच रहा होगा कि ये आदमी मुझे बेच रहा, भूपेंद्र सिंह जा रहा है रश्मि को सेल करने, और मैं सोच रहा हूँ ये मुझे सोच रही होगी कि ये टोपी पहनाएगा, ये उल्लू बनाएगा, और फिर मैं जा रहा हूँ, हेलो रश्मि मेरा 5 लाख रुपए का कोर्स ले लो प्लीज. और रश्मि, मैं सोच रहा हूँ, रश्मि भले सोच रही है नहीं सोच रही, मैं क्या सोच रहा हूँ कि रश्मि मेरे बारे में ये सोच रही है. अब मुझे बताइए, मेरा बिलीफ आधा होगा या पूरा होगा? मेरा बिलीफ आधे से भी आधा हो जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही है, अरे वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है. आप अगर स्टेज पे चले जाओ एक मिनट के लिए, मैं कभी मान लीजिए ऑडिटोरियम में ऐसा कोई आदमी आ गया जो मेरे को बचपन से जानता हो, या मेरे रिश्तेदार कोई आ गए, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूं, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है. अगर 100 गुना होती है तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है अरे यार वो अब मेरे बारे में सोच रहा होगा, पता नहीं क्या, लेकिन मेरे माइंड में नेगेटिव है. वो क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ तो मेरे बारे में, बाकी सब तो सुन रहे हैं मुझसे सीख रहे हैं, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा. एंड उसके कारण हमारा कन्विक्शन डाउन हो जाता है. तो मेरे साथ बोलिए, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कन्विक्शन, कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं बेस्ट हूं और मैं बेचूंगा, और मैं इसलिए बेचूंगा क्योंकि मेरे प्रोडक्ट से किसी की हेल्प हो रही है. सेलिंग इज हेल्पिंग, ये जहन में बसा लीजिए. किसी ने मुझे ट्रेनिंग बेचा 12 साल पहले, मेरे माइंड में आया यार ये क्या, कौन सी बला होती है पब्लिक स्पीकिंग, क्यों करूं मैं ये पब्लिक स्पीकिंग. उन्होंने मुझे कन्विक्शन से बताया पब्लिक स्पीकिंग से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, और मैंने उस कन्विक्शन के बाद पैसा दे दिया. मुझे बताइए, उन्होंने मुझे लूट लिया या मेरी हेल्प कर दी? उन्होंने मेरी हेल्प कर दी. किस लेवल की हेल्प करी वो भी नहीं जानते. उनको अभी भी नहीं पता कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है. उनको नहीं पता मुझे रोज किस लेवल की लग्जरी, प्यार, सम्मान मिल रहा है. और वो तो बेच के मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे फॉर्चून दे दिया. ट्रू और नॉट? तो सेल्स किसी की दुनिया बदल सकता है. एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है. आप जब रियल एस्टेट बेच रहे हो तो ये सोच के किसी से मत मिलिए, अरे फ्लैट बिक जाए अपना पैसा आ जाए. नो, आप जब किसी को फ्लैट बेच रहे हो सकता है वो जब उस फ्लैट में जाए तो उसका जो नेबर हो वो सचिन तेंदुलकर का रिश्तेदार निकल जाए. हो सकता है आप उसे बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल दे रहे हो सकता है आप उसे बहुत बड़ा कनेक्शन दे रहे हो सकता है आप उसे अगर सही वास्तु वगैरह के साथ दिया तो नया जीवन दे रहे हो. 3 दिन का प्रोग्राम है, और 3 दिन में कला सीखेंगे, मोटिवेशन नहीं सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, है ना? और स्किल के लिए थोड़ा सा एटीट्यूडनल करेक्शन चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि सेल्स है क्या. ये इंसान कभी बेचता नहीं था, ओके? क्योंकि इसको लगता था मैं तो योगा करता हूं. 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था यहीं दिल्ली में, तिवोलो ग्रांड होटल में, सेल्स का. और वो हमारा सेल्स का शायद दूसरा ही प्रोग्राम था इस तरह का. मैंने सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग देना, वैसे तो मैं इतने सालों से सेल्स करता आया हूँ, बट सेल्स के ऊपर मुझे ट्रेनिंग देना पहले गंदा लगता था. पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था यार ये लूटने वाली विद्या है, मेरा खुद का बिलीफ था. लेकिन सेल्स के ऊपर मैंने ट्रेनिंग तब देना शुरू किया जब सेल्स के ऊपर मेरे को अटूट कन्विक्शन आया. और अटूट कन्विक्शन वो तब आया मुझे जब मैंने पहली बार 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया कमाया.
उसके पहले 5 लाख 7 लाख 10 लाख उसके पहले बेचता नहीं था मैं, उसके पहले मैं बस सर कर लीजिए कोर्स, हाँ ठीक है करते हैं। मेरे को अटूट विश्वास आया जब मैंने पहला वेबिनार किया तो मैंने बेचा नहीं तो बिका भी नहीं। तो मेरे साथ बोलिए, बिना बेचे कभी नहीं बिकता। आदमी आपका प्रोडक्ट हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहता है अगर आप उन्हें ये बता दो, ये समझा दो कि इस प्रोडक्ट से जितना खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा 100% मिलेगा। तो ये कैसे करवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं तो सेल करता ही नहीं था, मैं सेल करता था वेबिनार में। वेबिनार किया, वेबिनार में 100 लोग आए, उनको बोला भैया हमारा प्रोडक्ट है खरीद लो, कोई नहीं खरीदता था। बिना बेचे को भी नहीं बिकता। अब मेरे साथ दूसरी चीज बोले, अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। भाई यही सेल्स की ट्रेनिंग, अगर मैं नहीं बेचता तो कोई और बेचता। अगर मैं आपको बताता ही नहीं कि सेल्स की ट्रेनिंग है तो मैं नहीं बेचता तो कोई और बेचता। तो आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ लाइफ है। और बेचना मतलब हेल्प करना। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो यू आर सेलिंग एंड यू आर हेल्पिंग। इनके पास एक योगा ट्रेनर है ये, और ये कभी बेचते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको लोग बोलते थे योगा तो धर्म का काम है पंडित जी। पंडित जी मतलब ये गुप्ता जी है, हम पंडित जी बोलते हैं, लखन सारे पंडितों वाले हैं। ये बेचते नहीं थे, इनका बिलीफ सिस्टम इतना लो था कि यार मैं क्या कर पाऊंगा कैसे कर पाऊंगा। ये जिस दिन पहली बार सेल्स के प्रोग्राम में आए तो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे, सबको देख रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, जो ये आके सर हमसे हो पाएगा क्या, सर सच में हो जाएगा ना, सर मैं बड़ा मुश्किल से आया हूँ सर इधर, सर 50,000 लोन पे लेके आया हूँ, सर प्लीज सर बता दो ना हो जाएगा ना सर, इससे ज्यादा खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा ना। मैंने कहा 3 दिन बाद बताऊंगा। तो इस ये बॉडी लैंग्वेज और ये कॉन्फिडेंस था। और आज की डेट में ये पर्सन डायनामाइट है। डायनामाइट मींस ही कैन स्पीक एनीवेयर, ही कैन स्पीक टू एनीबॉडी। आज वो ट्रेनर बन चुका है, अभी वाराणसी से आ रहे हैं, 20,000 रुपया एक दिन की ट्रेनिंग का लेके किसी से, और आज बेचने का कॉन्फिडेंस वर्ल्ड क्लास है। सिर्फ एक इस 3 दिन के प्रोग्राम से ये चेंज हुआ। हाँ जी, थैंक यू सर। तो हमको यही लगता था सेम कि वो यही कहेगा कि यार 80 घाट में तो फ्री में हो रहा है, बाबा जी तो फ्री करा रहे हैं, तो हम इससे पैसे मांगेंगे तो ये देगा नहीं। ये पहले अपने अंदर में इस तरह की चीज आ जाती थी। तो फिर हमने तो जब बिल्कुल सही बात है, जब हम वहाँ बैठे तो हमने कम से कम 50 बार सर का सिर खाया होगा कि सर, क्योंकि हम 70,000 रुपया लेके आए थे लोन, और वो भी तगड़े हिसाब किताब से, और वो भी ना मम्मी को ना पापा को किसी को भी नहीं, केवल जिनको एक मेरे सीए साहब हैं आदित्य जी, उनको बता के और उनसे ही लिए थे। हमने कहा सर धीरे धीरे आपको साल 2 साल योगा कराते रहेंगे उसमें पट जाएगा, खाली इतना ही रुपया लगना है। फिर उसके बाद जब यहाँ से सीख के गया तो जब पहला सेंटेंस उसमें सर ने बताया कि सेलिंग मींस हेल्पिंग, उसके बाद जो परिवर्तन आया उसका बहुत लाइव एग्जाम्पल अभी का दे रहे हैं। एक राय जी हैं निशांत राय करके, हमसे योग का अभ्यास करते हैं अभी, उनको लीवर सिरोसिस था, वजन उनका 92 kg था, अपना कोर्स सेल नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन और लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, यहाँ IBS है लीवर वाला जो LBS है, वहाँ के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप योगा करिए। तो वहाँ BHU में किसी ने, वो उनकी वाइफ स्टाफ नर्स है, तो किसी को उनको द्वारा हमारा नाम पता चला होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने भी यही पूछा सर सही हो जाएगा कि नहीं, सही हो जाएगा कि नहीं। हमने कहा कि जैसे अभी सर ने बताया कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए 5,000 रुपया हर महीने लगेगा। तो उनने कहा 5,000 नहीं सर, आप जो कहिए वो। तो हम कहे जब जो कहिए तो 10,000 रुपया लो सीधा सीधा। तो हमने कहा कि 10,000 रुपया आपको देना है, तो अभी कह रहे हैं सर आप 5,000। तो हमने कि उसमें एक दो चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा बताएंगे उसके हिसाब से। तो लगभग उन्होंने अभी तक 40,000 रुपया हमको दिया है, और आपको ये बता दें वो 40,000 हम ले पाए वो आदरणीय सर की वजह से। और दूसरा उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, वो आदमी का लिवर सिरोसिस, जो कि लिवर सिरोसिस जल्दी रिवर्स नहीं होता, वो रिवर्स हो गया है, डॉक्टर को भी अचंभा हो गया। दूसरा अभी 3 महीने में ब्लड शुगर उनकी दवाई बंद होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस करना है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है और मैं मांगूंगा तो वो देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस उपकार के लिए। और उसके बाद मैंने सर का
HTC का प्रोडक्ट सर ने मना, सर ने यहाँ जैसे अभी बोला ना आपसे, सर से बोला 12 लाख वाला, एक सर से बोला 5 लाख वाला, तो इसी तरह से उस समय सर ने बोला कि अभी हम लोग एक आगे के लेवल का करेंगे तो उसमें लेकिन स्क्रीनिंग होगी। तो फिर हमने, सर जब चले गए तो सर ने, हमने पूछा कि सर हम, नहीं नहीं आप मत करिए, नहीं आपके पास अभी पैसे ऐसे का थोड़ा सा वो है। हमने जाके सर के स्पेशली जो सूट वाला रूम बता रहे थे सर, तो सर के रूम में मैं गया और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हमको करना है और हम इंतजाम करेंगे कैसे भी करें, और उसके बाद तो जो चेंज है वो आप देख ही रहे हैं। बस थैंक यू, अभी आपका सेशन हो जाएगा दिन भर। आज ये पर्सन बोलते हुए नहीं रुकेगा, जबकि ये पहले कभी बोला नहीं जिंदगी में। 6 महीने के अंदर अंदर का परिवर्तन है ये, और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये परिवर्तन ही नहीं मैंने, ये सुदेश मैडम में है, ये रश्मि जी में है, ये देवेंद्र दानी जी में है, ये सचिन चिरगैया में है, ये अविनाश में है, हर आदमी में आपको ये परिवर्तन दिखेगा जो 6 महीने पहले सेल्स में आए थे। आज मैं उमा शंकर जी से सुबह सुबह मिला और मैंने उनको कहा कि ये सेल्स का प्रोग्राम आपको 2 साल पहले अटेंड करना चाहिए था, पुष्कर में था, करेक्ट सर, यही कहा। तो इन्होंने कहा सर अब जैसा परमात्मा की इच्छा होती है, जब आदेश आता है तब करते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें जो लाइफ में करनी ही है वो काल नहीं आज करनी है। ये 6 महीने में इतना अभिषेक बदल गया है, 6 महीने बाद कितना बदलेगा और 2 साल में कितना बदलेगा। जो अभिषेक 1000 कभी योगा का नहीं मांग पाया, आज 10,000 मांग लेता है। जो कभी ट्रेनर था ही नहीं, एक तो योगा, दूसरा किसी को जाके बोलता है मैं आपकी सेल बढ़ा दूंगा सर, वो बोलेंगे कैसे कैसे बढ़ाओगे सेल, वो बोलता है अब मैंने उनको क्या सिखाया, सेल्स में सवाल पूछते हैं, आपको भी सिखाऊंगा, सवाल पूछना होता है। उन्होंने सवाल पूछे, आदमी को लगता हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, तो आगे आगे लाइए 20,000 रुपया एक दिन का। उन्होंने 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम 80,000 रुपये के 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम क्लोज किए हैं एक ही कंपनी में 4 दिन में। अभी वो ट्रेनर थोड़ी थे, वो ट्रेनर थोड़ी थे, लेकिन सेल्स की नॉलेज होने के बाद आप में से हर एक इंसान किसी भी कंपनी में घुस सकता है, बोल सकता है आई कैन चेंज योर सेल्स एंड ये आपकी एडिशनल इनकम होगी, ये आपकी एडिशनल। और मैं आपको बता दूं, सभी को बोलना अच्छा लगता है, करेक्ट और नॉट, और जो बोलते हैं वो बिकते हैं, तो सेल्स मतलब। तो अभी पहले आपको मैं बताऊंगा सेल्स क्या है। ओके, अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपका एक दोस्त है, कोई भी एक दोस्त, जिसने आपका 10 लाख रुपया ले रखा है, 10 लाख रुपया, क्या आप उससे 10 लाख रुपए लेने के लिए उससे बात करेंगे कि भाई 10 लाख रुपए वापस दो, कभी बात करेंगे, मांगेंगे? उसने 10 बार मना कर दिया, क्या करोगे आप, फिर मांगोगे, कभी घर जाओगे, करेक्ट, छोड़ दोगे क्या सर, छोड़ दोगे 10 लाख देके? मांगोगे, कितनी बार मांगोगे कि आपको 10 लाख मिल जाए, जब तक वो दे ना दे? 3 साल अगर वो नहीं दिया तो कितने दिन मांगोगे जीतू जी? 3 साल मांगोगे? 5 साल में भी नहीं दिया तो कितनी बार मांगोगे? कभी कभी गुस्से में मांगोगे, कभी उसके घर जाके मांगोगे, कभी उसको किसी और तरीके से याद दिला के मांगोगे, कभी फोन नहीं उठाएगा तो फोन SMS से मांगोगे, कभी ईमेल से मांगोगे, कभी उसको और किसी दोस्त को बोल के कहोगे यार उसको बोल मेरा पैसा दे, बार बार मांगोगे कि नहीं मांगोगे, है ना? और मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए 100 बार आपने मांगा और 100 बार मांगने के बाद आपका 10 लाख मिल गया तो क्या आपको मांगना चाहिए, है ना? 100 बार आपने मांगा और 100 बार मांगने के बाद आपको 10 लाख मिल गया तो आपको मांगना चाहिए, करेक्ट और नॉट सर? अब मुझे ये बताइए, ये 10-10 लाख रुपया 100 लोगों को आपने दे रखा है, ओके, ये 10-10 लाख रुपया आपने 100 लोगों को दे रखा है, तो क्या सभी 100 लोगों से 100-100 बार मांगना चाहिए? 100-100 बार मांगने से, यानी 100 मैसेज दिन के कर दिए, अगले दिन 100 ईमेल कर दिए, अगले दिन 100 आपने फोन खड़का दिए, उसके अगले दिन 100 लोगों को आपने घर जाने के लिए 1 हफ्ता लगा दिया, उसके अगले हफ्ते आपने कुछ और किया, ऐसे करते करते इन 100 लोगों से 100 बार 10-10 लाख रुपए मांगना है, यानी टोटल 100 × 100 10,000 बार मांगना है, लेकिन 10,000 मांगने के बाद 10 लाख × 100 यानी 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आ सकता है, तो क्या मांगना चाहिए? तो अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, आप सभी लोगों ने मेरे 40-40 हजार रुपए लेके बैठे हुए थे आप पिछले जन्म से, हमने 10-10 बार मांगा, किसी से 2 बार मांगा, किसी से 10 बार मांगा, किसी से हमने 100 बार मांगा, किसी से हम 2 साल से मांग रहे हैं, और उसके बाद आज 40-40 हजार की रिकवरी हो गए, वसील हो गए। तो अब मेरे साथ बोलिए, सेलिंग इज रिकवरिंग,
रिकवर कर रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए, सेल्स मतलब प्रेम से रिकवरी। आप अपना पैसा रिकवर कर रहे हो जो दूसरे के पास पड़ा है।